हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ भुने हुए चने के बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। और इन्हें हम बना रहे हैं जिंदगी स्टेविया शुगर पाउडर के साथ, जो कि डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी रहते हैं। और इन्हें हम बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करके और वही टेस्ट ले सकते हैं जो आप रेगुलर शुगर के साथ लेते हैं। जैसे 1 ग्राम अगर आप स्टेविया यूज़ करते हैं तो वो 8 ग्राम के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। और ये है ड्रॉप, जिंदगी स्टेविया ड्रॉप्स। इसे आप चाय या कॉफ़ी या कोई भी बेवरेज लेते हैं तो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने भुने हुए चने के लड्डू बनाना। तो यहाँ मैंने ये भुने हुए चने लिए, इनका छिलका निकाल दिया है, तो हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे। वैसे ये भुने हुए, इन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हल्का सा इसका मॉइस्चर निकाल दिया है। और यहाँ लिए मैंने मखाने, इनको भी ड्राई रोस्ट करना है हमें, जिससे कि ये थोड़े से कड़क से हो जाए और इन्हें पीसने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ लिए मैंने सूरजमुखी के बीज और थोड़े से बादाम। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे सारे और इनको ठंडा कर लेंगे। तो ये ठंडा करके मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं, और इसमें 4 मैंने ग्रीन इलायची डाल दी है, और इनका एक फाइन पाउडर बना लिया है। तो देखिए ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो इन्हें हम अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और इसी सेम जार में हम जो चने लिए हैं उनको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने वीडियो के लिए थोड़े से चने लिए थे, और मेरे पास पहले से पाउडर बना हुआ रखा था, वो भी लें थोड़ा सा उसमें से भी यूज़ करूँगी। तो अब इन्हें बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ सेम पैन में मैंने लिया है घी, तो 4 चम्मच के बराबर घी लिया है। तो इसमें डाल देंगे हम जो भुने हुए चने का जो हमने बेसन बना के तैयार किया था उसको, और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आपको घी थोड़ा बहुत कम लगता है तो आप बीच में भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है, तो मैंने 2 चम्मच घी और मिक्स कर दिया है इसके अंदर। इससे ज़्यादा घी हम नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा देख के आपको लगता है कि जहाँ घी की ज़रूरत है तो वहाँ आप मिक्स कर दीजिए। एकदम से हमें घी नहीं डालना है, क्योंकि ये बेसन जो है भुनने के बाद और घी छोड़ता है, तो उसी के हिसाब से हम घी डालेंगे। तो यहाँ जो अपने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे वो मिक्स कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लो फ्लेम पर ही मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा सा घी मुझे अब भी कम लग रहा है, तो थोड़ा और घी मिला देते हैं। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ आप घी मिक्स कर दीजिए। एक साथ डालेंगे तो चिपचिपा हो जाएगा ये अपना जो मिक्सचर है। तो ये परफेक्ट हो गया अपना जो लड्डू का मिक्सचर है। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं दूसरे उसमें बर्तन में, और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, जिससे कि ये बनाने में आसान होगा, हाथ भी नहीं जलेंगे। तो यहाँ मैं स्टेविया शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस दिवाली आप शुगर फ्री लड्डू बना के डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं इसे, और हम भी खा सकते हैं, वेट लॉस में भी खा सकते हैं। तो इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच शुगर पाउडर यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी मिठास हो जाएगी इन लड्डुओं के अंदर। तो ये लड्डू हम इन्हें इस तरह से बना लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर हो गया है हमारे तैयार, बहुत ही टेस्टी है। तो इसी तरह से मैं ये सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनने वाले हैं, शुगर फ्री है, तो इस दिवाली डायबिटिक जो वेट कम करना चाहते हैं वो भी इन्हें खा सकते हैं, तो अपनी दिवाली हैप्पी बना सकते हैं लड्डुओं के साथ। सो फ्रेंड्स, अपने लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।